सर सर एक सवाल सर कोविड से जुड़ा हुआ सर चिना सर सर यहाँ पर आप देख सकते हैं और लगातार यहाँ पर संज्ञान लिया जा रहा है कि अस्पताल की सुविधा के तालाब जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। अपने आप का और मास्क पहने और अपने हाथ को सैनिटाइज करें बार बार और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा। इन चीजों पर हम जोर दे रहे हैं तो और दूसरा जो बाकी चीजें टेस्टिंग पर भी जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पर भी। आप हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेस लगे हुए हैं कंटिन्यूसली पेशेंट्स की सेवा में। तो आपको क्या लगता है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? चेन तो वैसे ही टूटेगी ना, जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करेंगे लोग तभी जाकर चेन टूटेगी। तो कहीं ना कहीं तो मतलब ये चीज है कि मतलब लोग इसका पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, ये कुछ हद तक तो सही है। तो प्रशासन की तरफ से हमने ये भी देखा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रोज जो बुलेटिन जारी होता है कि हमारे हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन कल हमने देखा जिस तरह से सीडी हॉस्पिटल में बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से जो मरीज थे उनको पार्क में गाड़ियों में बिठाकर ऑक्सीजन देने की जो है वो जरूरत पड़ी है। क्यों ऐसी व्यवस्था जो वहां पर देखने को मिली और क्या कुछ इसके बाद बदलाव वहां पर किया गया है? नहीं, बात है कि सिटी हॉस्पिटल हमारा ट्रायजिन पॉइंट, वहाँ पर सारे पेशेंट आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, उसका सीटी होना होता है, उसका सिटी स्कैन होता है, बाकी एग्जामिनेशन इनके टेस्ट वगैरह, उसके बाद इसका आंकड़ा लगाया जाता है कि उसको किस अस्पताल में भेजा जाए, किसको GMC भेजा जाए, किसको गांधीनगर भेजा जाए, किसको सिटी हॉस्पिटल भेजा जाए, किसी को घर भेजा जाए अगर उसको नहीं है ऐसी कोई खास। लेकिन कल तो हॉस्पिटल की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमारे पास बेड नहीं है सर। नहीं, बेड है, बेड अवेलेबल है और फिर हम और भी जो हमारे नॉन कोविड बेड्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं। GMC में, गांधीनगर में भी हमारे 70-80 के करीब ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स बढ़ गए और इसमें साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल को भी शुरू कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी मुहिम जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाई गई थी, लेकिन जब से 18+ का कोटा जो है वो खोला गया है तब से देखा जा रहा है कि सेंटर्स में वैक्सीन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। 18+ की जो वैक्सीन है ये हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेनी है और मैन्युफैक्चरर जितनी वैक्सीन हमको दे पाते हैं उस हिसाब से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जहाँ तक 45 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन का सवाल है उसकी कोई कमी नहीं है, वरना कोई कमी नहीं थी, वो हमारी वैक्सीनेशन पूरी जोर शोर से चल रही है।